नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मथुरा में गिरी पानी की टंकी हादसे में पीड़ित लोगों को मिले उचित मुआवजा, सपा नेता अनिल अग्रवाल। मथुरा शहर में बीते दिनों पानी की टंकी भर भरा कर गिर गई थी, जिसमें 3 लोगों की जान गई एवं 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राहत कार्य करने के लिए जिला प्रशासन की टीम जुट गई और राहत कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस हादसे को 1 हफ्ते से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी तक पीड़ित लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। राजनीतिक दल के नेता भी इस दिन प्रतिदिन घटनास्थल पर पहुंचे और आश्वासन देकर चले गए। वहीं इस हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल अग्रवाल ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना है और इस घटना में जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको प्रदेश सरकार के द्वारा उचित मुआवजा मिलना चाहिए एवं करोड़ रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी मात्र 3 साल में ही भरभरा कर गिर गई, इस लापरवाही से जुड़े हुए सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं हाथरस में हुए हादसे को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन को अधिक भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सपा नेता अनिल अग्रवाल। मथुरा से संवाददाता राजेश सोलंकी की रिपोर्ट। जी अग्रवाल साहब, जैसे कि मथुरा में एक जो घटना घटी है, मथुरा के बीएसए कॉलेज के समीप कृष्ण विहार में, और ये बड़ा ही दुखदही ये घटना है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को बधाई और शुभकामना देता हूँ। देखिए, परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन यहाँ जांच के लिए भेजा था और उस जांच में ये पाया कि टंकी की मरम्मत, टंकी में जो सामान लगा था और उसके जो पिलर थे वो काफ़ी धसे हुए थे। उसका कारण सिर्फ इंजीनियरिंग है, जो भी जही रहे हों, जो भी उनकी ठेकेदार रहे हों, उन्होंने अच्छा सामान नहीं लगाया। उसके बावजूद टंकी बनी और जांच में उन्होंने पास कर दी, लेकिन जब घटना हुई तो ये हृदय विदारक घटना थी। हमारे नरेश उत्तम जी